हेलो ओरियन, लास्ट वीडियो में हम डीपीपी 6 के पहले 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम आगे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है हमको, जरा इसको हम ध्यान से देखें। सो दिस कंपाउंड इज ईस्टर। इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट ने सेलेक्ट कराया, फॉलोड बाई CH3I। उससे हमारा मिला एक्स प्लस वाई। फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे जेड मिला और यहाँ पे मिथेनॉल विच कॉन्टेन्स ऑक्सीजन 18। और भी एक इन्फॉर्मेशन दिया है हमको नीचे कि इफ वाई गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI, NaOI के साथ येलो प्रेसिपिटेट मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो एक्स और वाई में जो कंपाउंड वाई हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो जरा रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें भी दिया हुआ है, ईस्टर का रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ में क्या होगा, CH3MgBr क्या प्रोडक्ट करेगा, CH3-, CH3- का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा देगा। ऑक्सीजन जो 18 वाला है वो O- बन के निकलेगा और यहाँ कार्बोनिल कार्बन से मिथाइल जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया हमारा, ये एसीटोन। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एसीटोन। एंड सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा है यहाँ पे, CH3I के बारे में क्या पता है मेरे को, मिथाइल आयोडाइड। यहाँ पे क्या होगा, SN2 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो ये जो O- यहाँ निकला था जो लिविंग ग्रुप बन के, वो अटैक करेगा यहाँ पे I को लीव करा देगा SN2। तो ऑक्सीजन जो 18 है उसके ऊपर आ गया मिथाइल। तो बेसिकली एक्स और वाई इन दोनों में से है। अब मैंने जरा देखो, ऊपर वाला जो है उसको मैंने लिख दिया वाई, क्योंकि एसीटोन हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ये जो नीचे बन रहा है ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स। सो ये जो 18 वाला ऑक्सीजन है जिस कंपाउंड में, ये क्या है मेरा एक्स। सो दिस इज एक्स, एसीटोन इज वाई। एक्स क्या है बेसिकली, एक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके ऊपर क्या है, OR, ईथर। बताओ जरा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके ऊपर OH होता था, उसको हमने क्या बोला था, इनोल। दिस इज इनोल। और यहाँ पे बस क्या है, OH की जगह क्या है, OR, ईथर है ये, इनोलिक ईथर। सो एक्स को बोला जाता है कि इनोलिक ईथर। ठीक है, अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराया गया, फर्दर हाइड्रोलिसिस कराया गया अगर, तो क्या बनेगा। तो जरा कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे, तो क्या है यहाँ पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यानी कि एल्कीन है। उसके ऊपर देखो क्या है, OCH3 लगा है, जो कि बहुत अच्छा प्लस एम ग्रुप है। तो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसके ऊपर क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा। और बताओ जरा, वाटर का एडिशन से क्या होगा, मार्कोनिकोप जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया OH और यहाँ साइड वाले कार्बन पर आ जाएगा H। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें तो जो बना क्या है, ये एक ही कार्बन के ऊपर हमारा OH और OR है, ये तो क्या है, हेमी एसिटल कीटोन है, तो इसको बोलेंगे हेमी कीटल। ये तो क्या है, हेमी कीटल है। और ये क्या होगा, टूट जाएगा बनते ही। कैसे टूटेगा, यहाँ से जो ऊपर जो अल्कोहल है वो बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। और अल्कोहल बाहर होगा तो कौन क्या बनेगा, CH3OH। और जो CH3OH बनेगा उसमें ऑक्सीजन हमारा 18 आएगा। तो वहाँ तो ऊपर भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि मिथेनॉल बन रहा है और उसमें हमारा ऑक्सीजन 18 है, और साथ में कौन बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। इसमें देखो जरा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये 2 पेंटेनॉन। दिस इज अवर जेड। सो जेड इज 2 पेंटेनॉन, एक्स जो हमारा यहाँ पे बना है। ठीक है, तो रिएक्शन हमारा बहुत आसान सा है, जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ऑक्सीजन इनोल ईथर, सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बी, एक्स का यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर दिया है और आप जब स्ट्रक्चर को मैच करेंगे तो ये मैच नहीं कर रहा है, सो बी इज इनकरेक्ट। सी, जेड गिव ब्यूटेनोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन। और डी हमारा है, जेड इज कीटोन। यस, डी इज करेक्ट, जेड इज ए कीटोन। जेड को जब हम ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन, तो हमारा ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, जरा देखते हैं। तो यहाँ जो जेड है इसको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, जेड क्या हमारा, 2 पेंटेनॉन।
इसको रिएक्शन कराएं। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब है यहाँ पे क्या, CaOCl ट्वाइस। बताओ CaOCl इट्स लाइक NaOCl, KOCl, दिस इज़ क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। पहली बात तो ये रिएक्शन क्या है, क्लोरोफॉर्म है, और जो हमारा ये रिएक्टेंट है ये क्लोरोफॉर्म देगा जरा, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्डो मिथाइल कीटोन है, तो ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा। और अगर क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा तो प्रोडक्ट क्या बना लेंगे हम, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यहाँ जो मिथाइल है वो बन के बाहर जाएगा क्या, CHCl3। और ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस कर देंगे अगर इसका हम, सो आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या मिल जाएगा हमको, ब्यूटेनोइक एसिड। तो जो स्टेटमेंट सी था हमारा वो एकदम करेक्ट है। जेड विच इज़ 2-pentanone और रिएक्शन द ब्लीचिंग पाउडर CaOCl जो कि मेरा बेसिकली क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा, हाइड्रोलिसिस के बाद में हमको ब्यूटेनोइक एसिड मिलेगा, दैट मीन्स स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो करेक्ट। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसको बेयर्स रिएजेंट से रिएक्ट करा रहा है। और जरा अगर बेयर्स रिएजेंट की बात करें हम, तो बेयर्स रिएजेंट क्या करते हैं हमारा, अल्किन डबल बॉन्ड के ऊपर OH जोड़ता है डायोल, और जो OH जुड़ता है हमारा सिनेडेशन होता है, सिनेडेशन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर सिनेडेशन होगा, OH OH जुड़ेगा, ठीक है। इस कंपाउंड में हमारे पास दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया है, वी हैव डबल बॉन्ड बिटवीन C1 एंड C2 एंड वी हैव डबल बॉन्ड बिटवीन C4 एंड C5। C3 पे ऑलरेडी हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो हमारा वेज लाइन पे है। तो देखो जरा, जब यहाँ पे हम OH जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, C1 और C5 ये तो टर्मिनल है, ये तो कभी एसिमेट्रिक हो नहीं सकता, बट C2 एंड C4 ये दोनों कार्बन हमारे एसिमेट्रिक हो जाएंगे जब पाई बॉन्ड तोड़ के हम OH लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिया है। तो जरा क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, तो नीचे मैंने यहाँ पे बनाया है फिर से इसी कंपाउंड को। तो देखो, बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन के बाद पाई बॉन्ड हटा के OHO जोड़ना है, और क्योंकि हमारा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हमारा क्या प्लेनर है, तो दो पॉसिबिलिटी हैं हर एक पाई बॉन्ड के ऊपर कि जो दोनों OH आ रहे हैं वो प्लेन से ऊपर से लग जाएं या प्लेन से नीचे से लगें। किसी एक पर्टिकुलर पाई बॉन्ड के ऊपर दोनों OH सेम साइड से लगेंगे, लेकिन सेम साइड से लगने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे। प्लेन से ऊपर से आएंगे तो उसको हम वेज लाइन पे बनाएंगे, और नीचे से आएंगे तो उसको डैश लाइन पे बनाएंगे। तो जरा पहला पॉसिबिलिटी, सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक कहाँ से जाए, ऊपर से हो जाए, ठीक है ना, वेज पे। यानी कि C2 और C4 पे जो OH आएगा वो वेज पे आएगा, वेज पे आएगा मतलब सेम साइड आएगा, C3 पे जो OH है उसके साथ सेम साइड से आएगा, C3 पे जो OH है वो भी हमारा क्या है, वेज लाइन पे है। तो C2 और C4 पे भी अगर OH हमारा ऊपर से आए वेज लाइन पे, तो बताओ क्या होगा, C2 एंड C4 पे भी OH हमारा सेम साइड लगेगा। तो जरा देखो, कंपाउंड ए, ए ऑप्शन में जो कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ मैं ऐसा नंबरिंग कर रहा हूँ, देखो 1, 2, 3, 4, 5। बी ऑप्शन में भी मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। तो जरा देखो, C3 पे OH कहाँ है हमारा, राइट हैंड साइड में फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है। और जरा देखो, C2 पे एंड C4 पे भी OH कहाँ है मेरा, राइट हैंड साइड में ही है, सेम साइड में है, तो ये वाला कंपाउंड बन सकता है। और ये जो बन रहा है, जरा इसको ध्यान से देखें तो क्या ये मीजो आइसोमर है, इसमें हमारा POS पास करेगा, भले ही कार्बन एसिमेट्रिक बन रहे हैं C4 एंड C2 वाला, लेकिन यहाँ पे बीच में से काटेंगे तो POS पास कर जाएगा, ये क्या हमारा मीजो। ऑप्शन बी को ध्यान से देखेंगे तो क्या है हमारा, C3 वाला अभी भी राइट हैंड साइड में है। तो देखो, C4 पे जो OH है हमारा वो राइट हैंड साइड में है, यानी कि C4 और C5 पे जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर एडिशन ऊपर से हुआ होगा, लेकिन C2 पे OH देखो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, यानी कि C2 और C1 का जो पाई बॉन्ड है उसके ऊपर एडिशन हमारा नीचे से हुआ होगा, बिलो द प्लेन, तो उल्टे अपोजिट साइड में OH आ गया, जो कि अगेन पॉसिबल है, ठीक है ना।
भाई ए जो बनाया वो दोनों पाई बॉन्ड पे सेम साइड से ऊपर से एडिशन हुआ। बी में क्या हो रहा है, सी वन सी टू है जो पाई बॉन्ड उस पर नीचे से आए दोनों ओएच, और सी फोर सी फाइव का पाई बॉन्ड है उस पर ऊपर से आए। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करें अगर, तो सी ऑप्शन में अगेन क्या है, वी हैव सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव। सी थ्री पे ओएच फिर से क्या है हमारा, राइट साइड में है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, सी टू पे भी ओ एच हमारा लेफ्ट में चला गया, सी फोर पे भी ओ एच हमारा लेफ्ट में चला गया, और ये वाला प्रोडक्ट भी बिल्कुल पॉसिबल है। कब, जब दोनों पाई बॉन्ड पे एडिशन कहाँ से हो, डैश लाइन से नीचे से, प्लेन से नीचे से हो, तो हमारा सी बन जाएगा। और सी वाले को ध्यान से देखें तो क्या देखो, उसमें बीच में से पी ओ एच पास कर रहा है, ये भी हमारा क्या है, मीजो कंपाउंड है। एंड ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को ध्यान से देखेगा तो दे आर मिरर इमेजेस, और मीजो का मिरर इमेज तो क्या होता है, मीजो ही होता है, सेम होता है। सो टेक्निकली ऑप्शन सी एंड डी आर सेम। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन 17 इज ए बी सी डी, ऑल ऑल आर पॉसिबल, ऑल ए बी सी डी आर पॉसिबल। ठीक है, बेयर से रीजनिंग सारे एडिशन कराएंगे तो एडिशन होगा। ठीक है, दोनों ओएच सिन एडिशन होता है, सेम साइड से जुड़ते हैं, लेकिन हमारे पास दो पाई बॉन्ड है तो हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी से हमारे सारे प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे हमारे कुछ तीन रिएक्शन मेंशन किए गए, इसके बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो जरा पहला वाला जो रिएक्शन है इसमें ध्यान से देखें तो क्या है, दिस इज पिनाकोल, आजू बाजू वाले दोनों कार्बन पे क्या लगा है, ओ एच, और पिनाकोल को अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो हमने एक बहुत फेमस रिएजिमेंट रिएक्शन पढ़ा था, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सिमेट्रिक है तो दोनों में से किसी भी एक ओ एच को क्या करेंगे, प्रोटोनेट करा के वाटर बना के हटा देंगे। ज़रा देखो, मैंने जो राइट हैंड साइड में जो ओ एच उसको प्रोटोनेट कराया तो हमारा ये बना, यहाँ पे जो बनाया मैंने, क्या होगा, प्रोटोनेशन के बाद में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है लिविंग ग्रुप बन के बाहर हो जाएगा। तो देखो ज़रा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन विल टेक प्लेस। तो ये वाला राइट हैंड साइड में जो है हमारा पानी बनकर निकल गया, तो ऐसा बनेगा। अब देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये उठ के उस कार्बन पे आना चाहेगा जहाँ पे हमारा ओ एच लगा है, कि ओ एच हमारा प्लस एम करेगा, और यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगी कोई ग्रुप का, रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा और हमारा ये पॉजिटिव वाले पे जाएगा, और जिस कार्बन पे ओ एच लगा है वहाँ पे हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो कहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड में चला जाएगा। तो राइट हैंड साइड में जो रिंग है वो अभी भी पांच मेंबर ही रहेगा, राइट हैंड साइड में जो रिंग है हमारा स्टिल हो क्या है, हमारा फाइव मेंबर ही है। लेकिन ज़रा लेफ्ट साइड में जो रिंग है हमारा वो एक्सपेंड हो गया, पांच से वो छह मेंबर में चला गया। तो ज़रा कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये जो रिंग है इसका साइज हमारा छह मेंबर हो जाएगा, एक कार्बन दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, और जो कॉमन कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, और ये सिंपली क्या करेगा, एच प्लस छोड़ देगा टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। सो इट इज सिंपल पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था उसको फॉलो करेगा, आराम से प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो ये मैंने बना दिया, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये हमारा। तो पहला रिएक्शन सिंपल पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया मैंने सारा। एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है इट्स ए स्पायरो कंपाउंड, देखो एक कार्बन हमारा कॉमन है दोनों रिंग के बीच में, इट्स ए स्पायरो कंपाउंड। जरा सेकेंड रिएक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ हमको उसको देखते हैं। ये हमारा एक कंपाउंड है, इसको डाइल्यूट NaOH के साथ में हीट किया गया, और इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप हैं,
और जरा जो नीचे वाला कार्बन ग्रुप है इसका अल्फा कार्बन और यहाँ बीटा कार्बन। बीटा कार्बन क्या है मेरा? OH है, इट्स अ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जरा याद करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन था हमारा, अल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है, अल्डोल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा यही बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हमने अल्डोल बोला था। अल्डोल, दिस इज अल्डोल। क्या देखा था हमने कि अल्डोल को हम बेसिक मीडियम में हीट करते हैं तो इट अंडरगो डिहाइड्रेशन। वो जो डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म होता है वो E1C(b) होता है। क्यों E1C(b) होता है? क्योंकि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है हमारा वो एसिडिक है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एसिडिक है तो यहाँ से क्या होगा, ये जो बेस हमारा OH-, ये अटैक करेगा अल्फा कार्बन से, क्या खींच लेगा? H+। H+ खींच लेगा तो क्या बन जाएगा हमारा? ये कार्बेनाइन। ऐसा कार्बेनाइन बनता है E1C(b) मैकेनिज्म में। लिविंग ग्रुप हमारा यहाँ OH है, जो कि बेकार लिविंग ग्रुप है, लेकिन हमारा अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। कार्बोनिल कार्बन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। देखो, कोई सोच रहा होगा कि ऊपर जो कीटोन है वहाँ से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाले कीटोन में क्या, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसा कार्बेनाइन बनेगा। और फिर क्या होता है, ये जो कार्बेनाइन हमारा जो नेगेटिव हमारा, ये डबल बॉन्ड में जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, OH बाहर हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट जरा मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ से OH बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये भी हमारा क्या, एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्डोल, बट मैकेनिज्म इज E1C(b) थ्रू कार्बेनाइन। ऊपर ऊपर में जो फर्स्ट रिएक्शन था हमारा पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट, वो भी हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन था। जरा थर्ड रिएक्शन है वो बहुत सिंपल है। इस कंपाउंड को हम रिएक्ट करा रहे हैं FeBr2। FeBr2 क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहाँ पे होगा? रिंग पे होगा। और रिंग पे क्या होगा? पैरा पे Br लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप लगा दे और तो पैरा डायरेक्टिंग अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने प्रोडक्ट बना दिया। देखो जरा, Br लगा दिया पैरा पे, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। तो अबाउट दिस थ्री रिएक्शन यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा है, जरा पढ़ते हैं। ए, रिएक्शन वन हैज स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड एज प्रोडक्ट, सही बात। बी, रिएक्शन टू हैज कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, ये भी सही है। सी, रिएक्शन वन एंड टू बोथ इन्वॉल्व डिहाइड्रेशन, यस, वन एंड टू बोथ आर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। रिएक्शन वन टू थ्री ऑल आर एलिमिनेशन रिएक्शन, नो, रिएक्शन थ्री इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि SN2, SN2TH, SN2AR, ठीक है, वो रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो जरा देखते हैं। ए, बेंजाइल सब्सट्रेट है एंड इट्स प्राइमरी बेंजाइल, NaOH के साथ रिएक्ट कराया। NaOH क्या है हमारा? OH- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड सोलवेंट इज ऑल्सो DMSO पोलर एप्रोटिक। प्राइमरी बेंजाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, तो कोई भी बोलेगा मैकेनिज्म इज SN2, तो हमारा ए स्टेटमेंट करेक्ट। बी, एसिड हैलाइड को NaOH के साथ हीट किया, एसिड हैलाइड का करेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज SN2TH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये भी हमारा बायमोलिकुलर होता है, सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन में हमारा लिविंग ग्रुप सीधा रिंग पे लगा है अराइल हैलाइड, अराइल आयोडाइड। सिंपली अराइल हैलाइड में कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बट इफ आई हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा, यहाँ पे देखो क्या लगा है, NO2 लगा है पैरा पे, तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। NaOH के साथ में हीट करेंगे तो I हट के OH लगेगा एंड द मैकेनिज्म इज SN2AR या ARSN, ये भी हमारा बायमोलिकुलर है। एंड लास्ट वन इज D, वी हैव प्राइमरी अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद HI क्या होगा? पहले तो ये H+ जुड़ के इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बना देगा, वाटर, और फिर प्राइमरी अल्कोहल है तो I- अटैक करेगा, पानी को भगाएगा, अगेन मैकेनिज्म SN2। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, प्राइमरी अल्कोहल हमारा SN2 से जाएगा।
सो ऑल फोर रिएक्शन आर बाई मोलिकुलर, ठीक है। सो 19 का आंसर हमारा ए बी सी एंड डी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा एक इपॉक्साइड बनाया हुआ है, इसको एसिडिक मीडियम में डाला एंड एसिडिक मीडियम में जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा उसमें ऑक्सीजन 18 है। तो ORM में हमने इपॉक्साइड के रिएक्शन पढ़े थे एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट द अबव मेंशन रिएक्शन इज, यहाँ पे चार स्टेटमेंट लिखे हैं ए और बी। स्टेटमेंट ए एंड बी हमारा मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अभी रिएक्शन देखते हैं हम। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि रिएक्टेंट हैज़ 1s 2s कॉन्फ़िगरेशन एंड डी स्टेटमेंट मेजर प्रोडक्ट हैज़ 1s 2r कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो हम यहाँ पे rs निकालना है, ठीक है। 1 एंड 2 कार्बन भी मेंशन किया है हमको, 1 एंड 2 दो कार्बन है यहाँ पे, दोनों पे हमारा rs निकालना है। तो जरा प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं। कार्बन 1 देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कार्बन 1 पे क्या लगे हैं, चार ग्रुप लगे हैं, दो हमारे रिंग के पार्ट हैं, एक हमारा क्या है डी है, एक हमारा एच है। तो जरा डैश लाइन पे क्या है मेरा डी है, वेज लाइन पे हमारा क्या है एच है। तो वेज लाइन पे एच है, डैश लाइन पे डी है, और जो रिंग में जो ग्रुप है जरा बताओ क्या देखेंगे, नीचे की साइड में जो ग्रुप हमारा क्या है उसमें ऑक्सीजन आ गया, डायरेक्टली कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा, उसका प्रायोरिटी 1 हो जाएगा। और ऊपर में जो रिंग का ग्रुप है उसका प्रायोरिटी 2 हो जाएगा, डी का प्रायोरिटी 3, एच का प्रायोरिटी 4। तो जरा यहाँ पे जरा ऊपर मैं लिख रहा हूँ डी प्रायोरिटी 3, एच का प्रायोरिटी 4, नीचे वाले ग्रुप का 1, यहाँ पे 2। प्रॉब्लम क्या है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वेज लाइन पे डैश पे नहीं है, तो क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे, 3 और 4 प्रायोरिटी ग्रुप को एक्सचेंज कर लेंगे। तो जो डैश लाइन पे है जो 4 है हमारा वो चला जाएगा डैश लाइन पे, और इसको करने के लिए 1 और 2 को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हमारा देखो ऐसा कंपाउंड बनेगा, तो ग्रुप लेन में है यहाँ डैश पे आ जाएगा फोर्थ, वेज पे आ जाएगा हमारा 3, ऊपर में 1, यहाँ 2। अब जरा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को भूल जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड का रोटेट करेंगे, तो जरा देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब क्या हुआ ये एस एस, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीका फॉलो करके यू कैन फाइंड कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 2 ऑल्सो। और कार्बन 2 पे तो इनफैक्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है ऑलरेडी डैश लाइन पे है। अगेन जो रिंग का ग्रुप है ऑक्सीजन वाला 1 प्रायोरिटी, ऊपर वाला 2 प्रायोरिटी, फिनाइल हमारा 3 प्रायोरिटी एंड मिथाइल इज 4th प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी डैश लाइन पे है तो सीधा ही घूम जाएंगे। जरा घूम के देखेंगे तो प्रायोरिटी 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 से 3, अगेन एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। जरा देखो एंटी क्लॉक वाइज फिर से क्या हो जाएगा ये एस, ठीक है। सो कॉन्फिग्रेशन एट कार्बन 2 इज ऑल्सो एस। तो 1 इज ऑल्सो एस, 2 इज ऑल्सो एस, पहली बात, ठीक है। जरा अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि इपॉक्साइड को जब एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैंने फिर से इस कंपाउंड को ड्रॉ कर दिया है। एसिडिक मीडियम में पहले तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है हमारा वो प्रोटोनेट हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा तो उससे हमारा क्या बनेगा, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, उसमें हमारा ऑक्सीजन पे क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे H प्लस आ गया, ऐसा पॉजिटिव आ गया। लेकिन लेकिन दिस 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द ब्रोमीनियम आयन अल्कीन। डबल बॉन्ड के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हैं ब्रोमीन का या क्लोरीन का, तो ऐसा साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है जहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन पे पॉजिटिव आता है। और ऐसा बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज हमारा ना पूरी तरह हमारा ऑक्सीजन पे रहेगा और ना ही पूरी तरह हमारा कार्बन पे रहेगा। एक्चुअली जो पॉजिटिव हमारा ऑक्सीजन और कार्बन दोनों मिलके शेयर करते हैं, तो रियल में ही ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ बॉन्ड हमारा पार्शियल हो जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज इज शेयर्ड बाय ऑक्सीजन
एंड दिस हायर डिग्री कार्बन जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। राइट हैंड साइड में जो कार्बन हमारा देखो प्राइमरी है, राइट हैंड साइड में जो कार्बन हमारा प्राइमरी है, लेकिन लेफ्ट साइड में जो कार्बन देखो वहाँ मिथाइल है, फिनाइल है, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है वहाँ पे अब वाटर मोलिक्यूल का अटैक होगा, वाटर मोलिक्यूल का अटैक होगा। चूँकि यहाँ पे कार्बोकैटायन पूरी तरह नहीं बना है तो वाटर मोलिक्यूल का अटैक कहाँ से होगा, ऊपर से होगा, एकदम अपोजिट साइड से, क्योंकि लिविंग ग्रुप हमारा जो ऑक्सीजन है वो नीचे से लीव करेगा तो वाटर का मोलिक्यूल ऊपर से आएगा। और एक और बात, जो वाटर का मोलिक्यूल आ रहा है एडवाने उसके पास क्या ऑक्सीजन 18, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट हैंड साइड में OH आ जाएगा, नीचे डैश लाइन पे D था, वेज लाइन पे हमारा H था रहेगा। लेफ्ट में जो कार्बन है उसके ऊपर OH आया, वो ऊपर से आया, और जो OH आएगा उसका ऑक्सीजन हमारा 18 होगा, और डैश लाइन पे हमारा मिथाइल है और वेज लाइन पे हमारा फिनाइल है। तो अगर हम यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें इस रिएक्शन में, तो वन C1 जो कार्बन है हमारा उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका कॉन्फिग्रेशन हमारा सेम रहेगा, तो यहाँ पे S था तो इट विल रिमेन S। लेकिन अगर जो टू कार्बन है हमारा उस पर देखें हम, तो टू कार्बन में क्या हुआ, लिविंग ग्रुप जो ऑक्सीजन नीचे से निकला और अटैक हुआ ऊपर से, एक तरह से अपोजिट बैक साइड से अटैक हुआ, जैसा हमारा SN2 में होता है। आप निकाल के भी देख सकते हो C2 पे जो कॉन्फिग्रेशन हमारा रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। C2 पे इन्वर्जन होगा तो हो जाएगा वो R, एट कार्बन C2 विल ऑब्जर्व 100% इन्वर्जन, कंप्लीट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट बन जाएगा और कॉन्फिग्रेशन भी पता चल जाएगा। ज़रा स्टेटमेंट देख लेते हैं, मेजर प्रोडक्ट, तो ज़रा देखिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है। सी रिएक्टेंट का कॉन्फिग्रेशन 1s 2s करेक्ट है। डी में देखेंगे जरा, मेजर प्रोडक्ट हैज 1s एंड 2R, तो ये भी करेक्ट हो गया, वन तो एस रहेगा बट टू क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे ये कंपाउंड दिया गया है, इसको हीट किया गया तो कुछ प्रोडक्ट बना प्लस सम गैस। तो जरा किसी कंपाउंड को हीट करने पे अगर गैस निकल रहा है, तो पहला जो हमारा गैस होना, जो हम सोचेंगे कि जो गैस लिबरेट हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली क्या है, CO2, एंड दिस रिएक्शन इज डी कार्बोक्सिलेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने पे अगर कोई गैस लिबरेट हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। और इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्फा और बीटा, जरा देखो तो बीटा पे क्या है, कीटो। सो दिस इज बेसिकली बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमने ऐसा पढ़ा कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर आइडियल सबस्ट्रेट फॉर डी कार्बोक्सिलेशन। सिंपली हीट करने पे वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, दे आर आइडियल सबस्ट्रेट फॉर डी कार्बोक्सिलेशन। तो हमको समझ में आ गया कि सही में ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या है, CO2 गैस लिबरेट हो रहा है। जरा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें अगर हम, कैसे हो रहा है। यहाँ पे मैंने फिर से इसी कंपाउंड को बना दिया है, बीटा कीटो अल्फा बीटा। अच्छा एक और बात, अभी जो रिएक्टेंट दिया हुआ है उसमें क्या है, ये अल्फा वाला कार्बन हमारा एसिमेट्रिक है, इसके ऊपर फिनाइल लगा है, नीचे एक अलग ग्रुप है, राइट हैंड साइड में CO है और लेफ्ट साइड में D है, ठीक है। और फिशर प्रोजेक्शन बना के दिया है, दिस मीन्स कॉन्फिग्रेशन अबाउट दिस कार्बन इज फिक्स, यहाँ पे एक फिक्स कॉन्फिग्रेशन है। इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और जरा कैसे होगा, ये जो कीटोन है इसका ऑक्सीजन इंटरनली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ से H+ निकलेगा तो OH का बॉन्ड है वो हमारा टूट के इधर डबल बॉन्ड में जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड में जाएगा तो ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है अल्फा कार्बन के साथ में, ये हमारा टूट के इधर डबल में आएगा। सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ज़रा यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ये
ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड टूटेगा पार्शियली, और कार्बन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा। ये वाला बॉन्ड पार्शियली टूट रहा है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये जो कार्बन कार्बन है इसका बॉन्ड पार्शियली टूट रहा है और यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड में आ रहा है। इस तरह का सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म। ठीक है, फाइनली क्या होगा, इस मॉलिक्यूल से जरा CO2 बाहर कर दो, यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा अगर, तो बताओ क्या बचेगा, ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है H को लेके OH बन जाएगा, और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जरा मैं यहाँ बना रहा हूँ, कुछ ऐसा बनेगा PH, यहाँ पे हमारा D लगा है, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ गया OH। इसको ध्यान से देखो तो क्या बन गया, ये इनोल, और ये जो इनोल है तो बनते ही क्या हो जाएगा, टोटोमेरिजम हो जाएगा, और टोटोमेरिजम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ज़रा देखेंगे तो PH, और इस वाले कार्बन पे क्या एक H है और एक हमारा क्या है D है, और C डबल बॉन्ड O H, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हमारा एक कार्बन एसिमेट्रिक है। और ज़रा देखो जब टोटोमेरिजम होगा तो H का माइग्रेशन होगा, क्योंकि ये जो कार्बन sp2 है इसके ऊपर आके H जुड़ रहा है, तो H हमारा ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें देखो एक एसिमेट्रिक कार्बन है, और एक इस एसिमेट्रिक कार्बन पे हमारा H आ रहा है जो टोटोमेरिज्म के थ्रू वो दोनों साइड से लग सकता है, तो हमारा यहाँ पे R भी बनेगा और S भी बनेगा, प्रोडक्ट भी रेसिमिक मिक्सचर। तो जरा करेक्ट स्टेटमेंट में देखेंगे तो ए द प्रोडक्ट इज अ रेसिमिक मिक्सचर करेक्ट, बी रेसिमाइजेशन अकर ड्यू टू इनोलाइजेशन, देखो इनोल जो हमारा टोटोमराइज हो रहा है इसलिए रेसिमाइजेशन हो रहा है, द रिएक्शन पासिस थ्रू ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, सही बात, द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन इज कार्बेनाइल, नो यहाँ पे कोई कार्बेनाइल इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। अगर हमारा कार्बोजिलिक एसिड का सोल्ट रहा होता, बीटा कीटो कार्बोजिलिक एसिड का सोल्ट रहा होता तो वहाँ पे कार्बेनाइन बनता है, कार्बोजिलिक एसिड में कोई कार्बेनाइन नहीं बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आउट द रिएक्शन विच ऑब्टेन प्रोडक्ट विल गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए होता था, प्राइमरी अमीन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ऑल प्राइमरी अमीन गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन टेस्ट। ठीक है, तो जरा रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ए ऑप्शन ए में अमाइड का रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अमाइड का क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेगा, रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल ऑक्सीजन हमारा गायब हो जाता है CH2NH2, सो प्रोडक्ट विल बी PH CH2 NH2, क्या दिख रहा है, प्राइमरी अमीन दिख रहा है, सो इट विल बी पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट, ए इज आंसर। बी साइनाइड, साइनाइड का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो डायरेक्ट रिडक्शन हमारा PH CH2 NH2, अगेन क्या बन जा रहा है, देखो प्राइमरी अमीन, तो ये भी हमारा आंसर है। सी में अगेन वी हैव अमाइड, बट अमाइड इज सेकेंडरी, और यहाँ पे जब रिडक्शन कराएंगे हम तो कार्बन ऑक्सीजन को गायब करेंगे तो विल गेट सेकेंडरी अमीन, और सेकेंडरी अमीन हमारा कोई कार्बाइल अमीन रिएक्शन नहीं देगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी में भी हो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से अगेन विल गेट सेकेंडरी अमीन, तो सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज ए एंड बी ओनली। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विच द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस वुड बी बेस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मुझे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, किस रिएक्शन में बन पाएगा ये बता रहा है, ये बताना है अपन को। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया गया CH3CH2MCBr विद इपोक्साइड, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन इपोक्साइड के साथ में क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा और पाई बॉन्ड इसको तोड़ के रिंग को ओपन कर देगा, SN2 रिएक्शन होगी यहाँ पे, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस दिस ओमाइनस विल एक्सेप्ट H+, तो जरा कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस CH3CH2 जाके जुड़ जाएगा हमारा इस CH2 के साथ, और यहाँ जो राइट हैंड साइड में CH2 क्या बन जाएगा, OH, और ये तो मुझे टर्शरी अल्कोहल नहीं दिख रहा है, ये क्या है मेरा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन इपोक्साइड के साथ में
एसएन टू होता है, दोनों साइड सेम है तो किसी भी कार्बन पे अटैक करा दोगे। ई टी माइनस का अटैक होगा तो प्रोडक्ट बनेगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ए हमारा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी में वी हैव सी ओ सी एल टू, दिस इज फोसजीन, दोनों तरफ हमारा सी एल एल लिविंग ग्रुप, इसको अगर रिएक्ट कराते हैं हम किसके साथ में, सी एस थ्री एम जी बी आर, सी एस थ्री एम जी बी आर क्या करेगा, सी एस थ्री माइनस देगा। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड लिविंग ग्रुप है तो कितनी बार मिथाइल अटैक करेगा, एक बार अटैक करेगा एक सी एल बार, दो बार अटैक करेगा दूसरा सी एल बार, और दो बार अटैक करने के बाद दोनों तरफ मिथाइल आ चुका होगा तो एक बार और अटैक करके एडिशन देगा, टोटल थ्री मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल कंज्यूम इन दिस रिएक्शन, क्योंकि हमारा दोनों साइड लिविंग ग्रुप लगा है, ठीक है, एक बार एक सी एल अठा, दूसरी बार दूसरा सी एल अठा, और फिर हमारा एडिशन होगा और हाइड्रोलिस के बाद में ज़रा देखो क्या बन जा रहा है मेरा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो ये हमारा करेक्ट हुआ ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की बात करें तो सी एस थ्री एम जी आर का रिएक्शन कीटोन के साथ, एसीटोन के साथ, सी एस थ्री माइनस का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और पाई बॉन्ड टूट के हमारा ओ माइनस, ओ माइनस का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो अगेन क्या बन जाएगा, देखो कार्बन पे दो मिथाइल पहले से ही थे, एक बार ग्रिग्नार्ड के अटैक से आ गया, अगेन क्या बन गया, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सी भी हमारा करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या है, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है, माइनस एम जी वी आर प्लस। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, सी ओ टू के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं ओ टू के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या होता है, अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो हमारा आर है उसके लग जाएगा ओ एच, और अगर ओ एच लग गया तो देखो जरा ये भी क्या बन गया हमारा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, तो जरा इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसको पढ़ लेंगे, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, ऑप्शंस को देख लेंगे। यहाँ पे हमको अल्किन दिया हुआ है, इसका हॉट अल्कलाइन KNO4 से रिएक्शन कराया फॉलोड बाई CaOCl2, ये हमारा क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है, फिर उसको हीट किया, उससे हमारा मिला एक्स, तो जरा देखो यहाँ पे एक्स के साथ में क्लोरोफॉर्म भी बना रहा है। फिर SCO2 से रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, फॉलोड बाई पर एसिड वाई बना, फिर आगे हमारा जेड और एन बना रहा है। फिर हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, यहाँ पे रिएक्शन सीक्वेंस हमारा सिंपल है, तो जरा प्रोडक्ट बना लेते हैं क्या क्या बनेगा। पहले ये जो हमारा अल्किन है इसका हॉट अल्कलाइन KNO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और बताओ ऑक्सीडेशन क्या होगा, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है टूटेगा, दोनों तरफ कीटोन बन जाएगा, ठीक है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब ये जो कीटोन बना इसको यहाँ पे रिएक्शन कराया गया किसके साथ में, CaOCl2, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन होगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन होगा, बिकॉज बोथ द कीटोन्स आर मिथाइल कीटोन, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिथाइल कीटोन है, तो जरा क्या होता है, ये जो मिथाइल है हमारा क्लोरोफॉर्म बन के निकल जाएगा, और जरा देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बना रहे हैं जरा यहाँ पे हम, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स कार्बन पे भी है कार्बन लिख रहा हूँ, सो विल गेट दिस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्लोरोफॉर्म बन के बाहर। अब इसको क्या कर रहा है, इसको फर्दर हीट कर दिया गया, और जब हमने डीकार्बोक्सिलेशन में पढ़ा था कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड दे अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाहर हो जाएगा, तो जरा CaCO3 बाहर कर देंगे अगर इस मॉलिक्यूल से हम, तो ऐसा देखो CaCO3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे CaCO3 बाहर कर देंगे, अगर जो बचा है उसको जोड़ देंगे तो C2 जो है हमारा C6 से जुड़ जाएगा, तो जरा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर साइक्लिक रिंग बन जाएगा, यानी कि साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन।
तो ये जो हमारा पहला सीक्वेंस है KMnO4 CaCl2 हीटिंग, उसके बाद जो बन रहा है हमारा ये साइक्लोपेंटेनॉन, और उसको यहाँ पे बोला गया जरा देखो तो एक्स, सो दिस योर एक्स। इस एक्स को SCO2 से रिएक्शन कराया गया, देन पर एसिड से तो हमारा मिला वाई। सो हमारा एक्स बन गया, इसको SCO2 से रिएक्शन कराएंगे सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड क्या क्या करता है हमारा, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन एट अल्फा कार्बन। कार्बोनल कंपाउंड्स में या तो एल्डिहाइड में या कीटोन्स में अल्फा कार्बन पे ही ऑक्सीडेशन करेगा, और अल्फा कार्बन पे क्या करता है, जो CH2 उसको कन्वर्ट कर देगा सी डबल बॉन्ड ओ में। अल्फा कार्बन से 2H हटा के हमारा डबल बॉन्ड ओ जोड़ देगा, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। साइक्लोपेंटेनॉन में दोनों साइड अल्फा कार्बन है, किसी भी एक तरफ अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ए मिलेगा। एंड उसके बाद हमारा क्या, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड CF3COOOH ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, पर एसिड है यहाँ पे। तो बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन जैसा रिएक्शन होगा यहाँ पे, और क्या होगा, ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, दोनों जो डाइकेटन बन रहा है इसमें दोनों कार्बोनल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा साइक्लिक अनहाइड्राइड, एंड इसको बोला गया वाई, दिस इज वाई, ठीक है, साइक्लिक अनहाइड्राइड। इस अनहाइड्राइड को अगर अमोनिया के साथ हीट किया जाए, यहाँ पे दो सीक्वेंस दिया गया है कि अनहाइड्राइड को अमोनिया के साथ हीट कर दें, तो अनहाइड्राइड को अगर अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो ये सिंपल SN2TH रिएक्शन होगा। अमोनिया किसी भी एक तरफ किसी एक कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, दूसरे को लीव करा देगा, तो जहाँ पे अमोनिया अटैक करेगा वहाँ पे अमाइड बन जाएगा, और दूसरा वाला लीव करेगा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ऊपर में, और यहाँ नीचे जहाँ पे अटैक हुआ था यहाँ पे बन जाएगा हमारा अमाइड, ठीक है। और जरा अमोनिया के साथ हीट करने पे जो बना उसको शायद बोला गया यहाँ पे जेड, ठीक है, जेड, तो हमने जो भी बनाया वो जेड है। इस अनहाइड्राइड को PCl5 से रिएक्शन कराई फॉलोड बाई गिलमेंस रेजेंट, तो हमारा बना N। तो जरा पहले तो ये बन गया हमारा Z, ये हमारा Z। इस अनहाइड्राइड को फर्दर क्या कर रहा है, पहले PCl5 से रिएक्शन करा रहा है। इस अनहाइड्राइड इज व्हेन ट्रीटेड विद PCl5, सो जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम PCl5 से रिएक्शन कराते हैं क्या होता है, हमारा OH हट के Cl लगा देता है। तो PCl5 भी क्या करेगा, अनहाइड्राइड में दोनों तरफ हमारा इसको ब्रेक करके क्लोरीन जोड़ देता है, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और इसको जब हम गिलमेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, तो गिलमेंस रिएजेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिथियम डायलकाइल क्यूप्रेट, इट्स ऑल्सो एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये भी क्या देगा, CH3- देगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ जो गिलमेंस रिएजेंट हमारा लेस रिएक्टिव होता है, इट इज़ लेस रिएक्टिव एंड इट ओनली रिएक्ट विद एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स रिएक्ट करेगा, CH3- का अटैक होगा और यहाँ से Cl- को लीव कराएगा, दोनों तरफ रिएक्शन होगी। जो कीटोन बनेगा यहाँ प्रोडक्ट में उस पर फर्दर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ जो कीटोन बनेगा उस पर कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर क्या लग जाएगा CH3, क्योंकि जो गिलमेंस रिएजेंट तो हमारा लेस रिएक्टिव है। तो इसको बोला गया है N, सो ये बन गया हमारा N, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में हमको रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें X, Y, Z एंड N क्या क्या हैं वो हमको पता चल गया, ठीक है। X इज साइक्लोपेंटेनॉन, Y साइक्लिक अनहाइड्राइड, Z हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड दोनों ग्रुप है, और N हमारा ये कीटोन डाइकीटोन है। जरा क्वेश्चंस पे आते हैं, 24 क्वेश्चन नंबर 24, इस N को रिएक्ट कराया गया MgHg, मैग्नीशियम का अमलगम है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और ये जो रिएक्शन हमारा प्रिपरेशन ऑफ पिनाकोल। एल्डिहाइड कीटोन को जब हम मैग्नीशियम के अमलगम से रिएक्ट कराते हैं और उसको फिर हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारा ये पिनाकोल बनता है, ठीक है। सो पी जो हमारा है वो पिनाकोल है,
और पिनाकोल को एसिडिक मीडियम में हिट किया तो बेसिकली ये पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट हुआ होगा और रिएजमेंट हो क्या बन गया हमारा क्यू। जरा कोशिश करते हैं क्यू का स्ट्रक्चर बनाने की। तो जो पिनाकोल का प्रिपरेशन है जरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार, क्या होता है कि इफ आई ऑल्डिहाइड कीटोन लाइक आर वन सी डबल बॉन्ड ओ आर टू, ठीक है, इसको अगर हम मैग्नीशियम अमलगम से रेड कराते हैं देन हाइड्रोलिसिस, तो दो मोल रिएक्ट करेगा और जो कार्बोनिल कार्बन है दोनों कंपाउंड में, दोनों मोलिक्यूल कार्बोनिल कार्बन जुड़ जाएगा और दोनों पे आ जाएगा OH और हर एक कार्बन पे हमारा क्या जुड़ा है R1 R2 R1 R2। तो ये हमारा ओपन चेन में ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ पिनाकोल में। यहाँ पे मैं मैकेनिज्म तो नहीं लिख रहा हूँ लेकिन प्रोसेस क्या है मेरा, कार्बोनिल कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा और दोनों पे आ जाएगा OH और जो ग्रुप लगे हैं वो तो लगे रहेंगे। तो जरा N जो है हमारा उसको लिखें अगर हम यहाँ पे N में कितने कार्बन है, यहाँ पे जरा हमारा ये N है, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, मतलब कार्बन कार्बन से दूसरे कार्बन तक 5 कार्बन है, बाहर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो जरा यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इसको एक बार, C डबल बॉन्ड O यहाँ मिथाइल, C1 C2 C3 C4 C5। अगर इसको हम मैग्नीशियम अमलगम से रिएक्ट कराएं देन हाइड्रोलिसिस, तो जैसा मैंने यहाँ ऊपर लिखा ओपन चेन कंपाउंड के लिए रिएक्शन, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगा। क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बना देंगे, तो यहाँ पे देखो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग मिलेगा और दोनों कार्बन पे क्या होगा OH होगा और मिथाइल होगा। और हमारे क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया है कि जो यहाँ पे बन रहा है हमारा सिस आइसोमर बन रहा है, मतलब दोनों पे OH का होगा, या तो वेज पे या फिर डैश पे। तो अगर OH हमारा वेज लाइन पे है तो मिथाइल यहाँ पे डैश लाइन पे होगा। तो पहले स्टेप के बाद ये बनेगा पिनाकोल, और इस पिनाकोल को अगर एसिडिक मीडियम में हम हीट कर दें तो हमारा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होगा। अभी अभी ऊपर एक रिएक्शन में किया था हमने, दोनों में से कोई भी एक OH ग्रुप पानी बन के निकलेगा क्योंकि सिमेट्रिक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता किस OH को निकाल रहे हैं हम। तो मान लो मैंने ऊपर वाला जो OH है उसको हमने प्रोटोनेट करके बाहर कर देंगे अगर, तो ज़रा कैसा बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा हमारा क्या पॉजिटिव, नीचे क्या है मेरा मिथाइल और यहाँ पे क्या है मेरा OH, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है वो हमारा शिफ्ट करेगा और शिफ्ट कैसे होगा, यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल का यहाँ पे शिफ्टिंग होगा 1 2 CH3- शिफ्टिंग, तो ऊपर वाले कार्बन पे मिथाइल हमारा टूट के जाएगा और नीचे जो पॉजिटिव आएगा उस पर क्या होगा OH हमारा डबल बॉन्ड में चला जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, 5 मेंबर रिंग, ऊपर चला गया मिथाइल और नीचे वाले कार्बन पर जाएगा सर डबल बॉन्ड O। तो बहुत सिंपल सा पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट रिएक्शन था। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनेगा। जरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक मिथाइल पहले से ही था, सॉरी एक मिथाइल जहाँ पॉजिटिव आया वहाँ पहले से ही था, तो यहाँ पे 2 मिथाइल रहेंगे खाली प्रोडक्ट। तो यहाँ कार्बन पे 2 मिथाइल और एक हमारा सी डबल बॉन्ड O। तो अगर ऐसा देखें तो ऑप्शन B हमको दिख रहा है, तो 24 का आंसर इज B। क्वेश्चन नंबर 25 में X को यानी कि द साइक्लोपेंटेनॉन KCN से रेड कराया देन रिडक्शन H2NI के साथ R बना, R को फिर HNO3 प्लस NH2OS के साथ रिएक्शन कराया फॉलोड बाय PCl5 तो बना S एंड S फॉर्म में पॉलीमर, नेम ऑफ पॉलीमर इज, S हमारा पॉलीमर बना रहा है। तो जरा इस वाले रिएक्शन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में X को लिया गया यानी कि साइक्लोपेंटेनॉन,
साइक्लोपेंटेन को रिएक्शन कराया गया केसीएन के साथ, केसीएन के साथ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, यहाँ हमारा सीएन लगा, यहाँ हमारा ओएच। फिर इसको रिएक्शन कराया गया H2Ni, क्या होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, CN को रिड्यूस कर देगा इनटू CH2NH2। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, पहला जो सीक्वेंस है उसमें दो रिएजेंट है KCN एंड H2Ni, उससे हमारा ये बना। इसको अगर फर्दर देखेंगे तो जरा क्या रिएक्शन कराया गया, इसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया, देन हाइड्रोक्सीलम देन BCl5। तो जरा बताएं, इसको अगर मैं नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराऊँगा तो क्या होगा, नाइट्रस एसिड क्या करता है, डाइएजोटाइजेशन, प्राइमरी अमीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा एक्चुअली क्या बनेगा, एलिफेटिक बनेगा, और एलिफेटिक बनेगा तो बनते ही टूट जाएगा, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर अनस्टेबल, और जैसे ही बनेगा वो टूट जाएगा, और टूट के क्या होगा, डाइनाइट्रोजन N2 गैस बन के बाहर। तो जरा देखो, अगर N2 गैस बन के बाहर निकलेगा तो CH2 पे पॉजिटिव आएगा, और CH2 पे पॉजिटिव आएगा और रिंग के 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर है, वो क्या हो जाएगा, तुरंत रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये बॉन्ड टूट के CH2 से जुड़ेगा, और जिस कारण में पॉजिटिव आया उसमें क्या है, OH जुड़ा है, तो OH कहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये जो रिएजमेंट रिएक्शन है यहाँ पे, ये पिनाकोल पिनाकोलोन जैसी है, एक तरफ पॉजिटिव बन रहा है, दूसरे वाले बगल में कार्बन क्या है, OH है, तो ग्रुप शिफ्ट होगा और OH हमारा डबल बॉन्ड में जाएगा, तो यहाँ पे आ गया साइक्लोहेक्सेनोन इज द प्रोडक्ट। साइक्लोहेक्सेनोन को फर्दर रिएक्ट कराया किसके साथ में, हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH के साथ में, क्या होगा, ऑक्साइम फॉर्मेशन। ऑक्साइम फॉर्मेशन क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन से हमारा ऑक्सीजन और यहाँ NH2 से H2, वाटर बाहर करके जोड़ देंगे, पानी बाहर करके जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्साइम एंड डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे रिंग एन के ऊपर क्या आएगा, OH, और इसको फिर PCl5 के साथ रिएक्शन कराया गया, PCl5 के साथ, और ये हमारा बहुत फेमस रिएजमेंट रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, बैकमैंस रिअरेंजमेंट इन ऑक्साइम। PCl5 क्या करता है, इस OH को हटा के क्या लगा देता है यहाँ पे, Cl, C डबल बॉन्ड एन Cl, ठीक है ना, और यहाँ से फिर Cl ग्रुप हटेगा, ठीक है, रिंग का एक्सपेंशन होगा, बैकमैंस रिअरेंजमेंट, ये हमने क्लास में भी किया होगा, बैकमैन रिअरेंजमेंट कराएंगे यहाँ पे अगर, तो क्या होगा, सेवन मेंबर साइक्लिक अमाइड विल फॉर्म एज प्रोडक्ट, और सेवन मेंबर साइक्लिक अमाइड है उसको बोलते हैं हम कैप्रोलैक्टम। ये बहुत फेमस रिएक्शन है कि साइक्लोहेक्सेनोन को ऑक्साइम से रिएक्ट कराओ, सॉरी साइक्लोहेक्सेनोन को NH2 से रिएक्ट कराओ, ऑक्साइम बनेगा, ऑक्साइम में अगर बैकमैन अरेंजमेंट कराते हैं अपन तो सेवन मेंबर साइक्लिक अमाइड बनेगा कैप्रोलैक्टम, विच इज मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। दिस कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, उसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, लेकिन अगर देखेंगे कि करके तो सारे रिएक्शन आराम से हो जाएंगे, आराम से आंसर निकलेगा। सेकेंड वाला कॉम्प्रेशन बहुत ही आसान है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन सीक्वेंस है, टोलुविन का रिएक्शन कराया है KNO4 के साथ में, पी बना, क्या बन जाएगा पी, टोलुविन को जब हम KNO4 से रिएक्शन कराएंगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ होगा, बेंजाइल कार्बन पे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दिस इज अवर पी। इस पी को रिएक्ट कराया इसके साथ में NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम के साथ हीट किया डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप गायब हो जाएगा, तो प्रोडक्ट विल बी बेंजीन, ये बना हमारा क्यू, सो क्यू इज बेंजीन। बेंजीन को रिएक्ट कराया गया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एंड दिस इज बर्च रिडक्शन। बेंजीन का बर्च रिडक्शन से जरा याद करेंगे तो क्या बनता है, 1,4-diene, अपोजिट कार्बन पर ऑक्सीडेशन होता है और डाइन इज द प्रोडक्ट, 1,4-diene, ठीक है। इसको फिर O3ZN रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, 1,3-diene को और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होगा, दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेंगे और क्या बन जाएगा, दोनों तरफ एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच, CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका 2 मोल बनेगा और इसी को बोला गया है हमारा S, ठीक है।
तो एस हमारा क्या है, डायल्डिहाइड है, 1,3-डायल्डिहाइड। एस को रेड फॉस्फोरस एच आई से रिएक्शन कराया है। अगर रेड फॉस्फोरस एच आई क्या करता है, किसी भी कंपाउंड को अल्केन में रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे इतने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो अल्केन बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। और फिर ऐसे इसको बोला गया टी, और टी को फर्दर एड कराया इसके साथ में ब्रोमीन लाइट, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन तो कहाँ होगा, सेकेंडरी कार्बन पे होगा, बहुत ज़्यादा होगा, हाईली सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन। सो दिस इज यू, मेजर प्रोडक्ट यू। और यू को फिर ET2Cu Li क्या है ये, अगेन गिलमैन्स रिएजेंट, ET2Cu Li क्या देगा ये हमारा, ET-, ठीक है। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, यहाँ से जो ET- निकलेगा वो अटैक करके हमारा ब्रोमीन को भगा देगा, खुद जाके जुड़ जाएगा, तो बनेगा हमारा क्या, एक अल्केन बनेगा। कैसा बनेगा, यहाँ पे बीच वाले कार्बन क्या जुड़ जाएगा, इथाइल, इस तरह का, ठीक है। और इसको बोला गया वी, दिस इज वी, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है अल्केन फॉर्मेशन का, इसको हम बोलते हैं कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस, कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस। कोरिया सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ में, गिलमैन्स रिएजेंट के साथ में। गिलमैन्स रिएजेंट का जो आर माइनस है अटैक करके हैलोजन को बहा देगा और जुड़ जाएगा, तो ऐसा अल्केन बनेगा। तो हमको सारे सब पता है हमको, पी क्यू, और ये जो बना बेंजीन हमारा क्या, ये आर एस टी यू एंड वी, ठीक है। अब जो भी पूछ रहा है जरा, क्वेश्चन नंबर 26 में व्हेन एस इज ट्रीटेड विद PHMGBr, तो जरा एस देखते हैं, एस कौन है, एस ये है डायल्डिहाइड। और इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो बीच में जो कार्बन है हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो इस वक्त ये हाइड्रोजन एसिडिक है। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे कंपाउंड सिलेक्ट कराएं जिसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। जरा मैं यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ ऊपर, दिस इज योर कंपाउंड एस, जिसके पास में क्या है हमारा, एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से एसिड बेस रिएक्शन होगा। सो दिस PH- विल अट्रैक्ट H+ टू फॉर्म बेंजीन, आंसर इज सी। 27 कंपाउंड विच लिबरेट H2 गैस ऑन रिएक्शन सोडियम मेटल, अगेन सोडियम मेटल से रिएक्ट करने पे H2 वही निकालेगा जिसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो एक तो कौन हो जाएगा हमारा, S हो जाएगा, ठीक है। S के पास हमारा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। एंड अगर और ध्यान से देखें तो पी, जो हमारा कंपाउंड पी है वो तो क्या कार्बोजिलिक एसिड है, तो पी के पास तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही है, बाकी कहीं पे भी किसी कंपाउंड के पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सो आंसर विल बी पी एंड एस, मतलब ऑप्शन ए। दो ऐसे कंपाउंड जिसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है जो पॉजिटिव सोडियम मेटल टेस्ट देगा। अगला वाला कॉम्प्रेशन है हमारा, द हाइड्रोकार्बन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C10H6। एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है C10H6, तो पहले जरा DU निकाल लेंगे, कितना डी यू आ रहा है, 10 कार्बन है तो 22, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 प्लस 2 22 माइनस 16, 22 माइनस 16 ठीक 2, कितना आ रहा है यहाँ पे 3। सो डी यू इन दिस मॉलिक्यूल इज 3। अंडरगो रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस टू यील्ड 2 मोल ऑफ सेम कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8O। अगर रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीटोन बनेगा, प्रोडक्ट हमारा कीटोन C5H10। और जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें डी यू निकालेंगे अगर हम, तो 5 कार्बन है, 5 × 10 और 2 × 12, 12 − 8, यहाँ पे 2 DU आ रहा है। तो कीटोन है तो इसमें 2 DU है, तो एक तो हमारा सी डबल बॉन्ड का डी हो गया, और एक हमारा यहाँ पर रिंग होना पड़ेगा। ये जो प्रोडक्ट है हमको पता चल गया, इट्स ए साइक्लिक कीटोन। जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे हमको पता चला कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें टोटल 3 DU है, और इसका रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट हमारा सेम बन रहा है, और सेम बनने का एक ही मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कीटोन होगा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 2 DU, मतलब वो साइक्लिक कीटोन है। हाइड्रोकार्बन कैन ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोजनेशन बाई यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। यहाँ पे एक नीचे एक इन्फॉर्मेशन लिखा है कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग कैन हाइड्रोजनेटेड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। देखो हाइड्रोजनेशन जब भी हम बात करेंगे तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उनके ऊपर हाइड्रोजनेशन होगा, लेकिन
साइक्लोप्रोपेन, हमने कहीं ऐसा पढ़ा होगा कि साइक्लोप्रोपेन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, मोलिक्यूल हाईली स्ट्रेन। तो रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे तो इस पर हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर है अराउंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड, सो अराउंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। क्या होगा, कोई एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा, कोई एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा और HH जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा प्रोपेन। ठीक है, सो हाइड्रोजनेशन कराने से हमारा प्रोपेन बन जाता है साइक्लोप्रोपेन का। बाकी किसी साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट आर नॉट रिजोल्वेबल बट इट कंज्यूम्स 3 moles ऑफ H2 ऑन हाइड्रोजनेशन एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंस ऑफ पीट। 3 mole H2 कंज्यूम कर रहा है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि जो रिंग होगा 3 membered वो भी हाइड्रोजनेट होगा, पाई बॉन्ड भी हाइड्रोजनेट होगा। आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया है हमको कि हाइड्रोकार्बन और उसका प्रोडक्ट दोनों हमारे क्या हैं, नॉट रिजोल्वेबल, मतलब वो इनेंसियोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाइड्रोकार्बन खुद भी इनएक्टिव, उसका प्रोडक्ट भी इनएक्टिव होना चाहिए। तो जरा देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो तो मैच कर रहा होगा, कंपाउंड में टोटल क्या है 3 DU हैं, 2 rings हैं हमारे, एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और 2 rings हैं हमारे, और 3 mole H2 कंज्यूम करेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्योंकि दो रिंग पे होगा और एक डबल बॉन्ड पे होगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं क्या ये हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। तो मॉलिक्यूल में अगर POS चेक करें तो POS पास नहीं करेगा, POS तो पास नहीं करेगा, लेकिन जरा सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें अगर इसमें एकदम बीचों बीच से, अगर हम ऐसा राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जाएं तो क्या मिलेगा, मिथाइल मिलेगा, और अगर एकदम अपोजिट आएंगे तो नीचे भी मिथाइल मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा इधर ऊपर जाएं तो देखो मिथाइल है, इसके अपोजिट आएंगे तो भी मिथाइल है, और रिंग में जाएंगे तो रिंग मिलेगा। क्या दिख रहा है जरा इस बीच वाले पॉइंट के अबाउट क्या हो जा रहा है यहाँ पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। POS तो नहीं है लेकिन COS है, तो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव रिजोल्वेबल नहीं है, तो अच्छी बात है। जरा इसका प्रोडक्ट देखते हैं, ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट O3ZnWater। ठीक है, रिडक्टिव लेन चाहे ऑक्सीडेटिव लेन सेम प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन बनेगा, बीच में से क्या करेंगे तोड़ेंगे, और बीच में से तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ऐसा सी डबल बॉन्ड O, एक तरफ मिथाइल, यहाँ पे मैं रिड्रॉ कर रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड O, एक तरफ मिथाइल क्या है ऊपर है नीचे H है, और एक तरफ मिथाइल हमारा नीचे है ऊपर H है। जरा इस कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 asymmetric कार्बन है ये दोनों, और इसमें कोई POS या COS पास नहीं करेगा, चाहे चेक कर सकते हैं, नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो हमारा ये रिजोल्वेबल होगा ये। तो ठीक है, तो ए आंसर नहीं हो सकता। बी में अगेन मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है, बी में जो कंपाउंड हमारा इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई POS और कोई COS दोनों ही पास नहीं कर रहा है, तो मॉलिक्यूल ही हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, तो अगेन ही हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में ध्यान से देखें अगर हम, तो ऑप्शन सी में देखो मॉलिक्यूल में POS भी पास कर जाएगा, सिंपली POS पास कर जाएगा बीच में से, इसको अगर हम काट देंगे ऐसा दोनों रिंग के बीचों बीच में से, तो जरा देखो मिथाइल क्या है दोनों साइड ऊपर ऊपर है, तो यहाँ पे आराम से बीच में से POS पास करेगा, तो मॉलिक्यूल क्या है हमारा नॉन रिजोल्वेबल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और जरा इसका अगर हम ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, दोनों मिथाइल यहाँ पे क्या है सेम साइड है, और जरा सेम साइड है तो देखो भले ही कार्बन एसिमेट्रिक है लेकिन यहाँ पे POS पास कर जाएगा, इसको बीच में से काटेंगे अगर हम तो POS पास करेगा, दोनों मिथाइल हमारे ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे POS पास कर जाएगा, तो ये भी हमारा इनएक्टिव है। तो देखो रिएक्टेंट भी नॉन रिजोल्वेबल है, प्रोडक्ट भी नॉन रिजोल्वेबल है, और बाकी सारे कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। डी वाले में तो देखो जरा अगेन दो एसिमेट्रिक कार्बन है और अगेन कोई POS या COS पास नहीं कर रहा है, तो अगेन मॉलिक्यूल क्या हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है रिजोल्वेबल हो जाएगा, तो आंसर इज सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 29, इफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट आर रिजोल्वेबल। अब यहाँ पे रिजोल्वेबल है दोनों, हाइड्रोकार्बन भी उसका प्रोडक्ट भी,
बट कंज्यूम 3 moles ऑफ एच टू एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ पीडी आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन ए हमारा है, देखो क्या है, कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है और पूरा मॉलिक्यूल क्या प्लेनर है और प्लेनर तो इसमें आराम से पीएस पास करेगा, तो रिजोल्युबल नहीं है, इनएक्टिव है। ऑप्शन बी में भी जरा देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये आया था, जरा बीच में से काटेंगे तो अगेन पीएस पास कर जाएगा, चारों मिथाइल हमारे ऊपर की तरफ है तो ये भी हमारा रिजोल्युबल नहीं है। ऑप्शन सी एंड डी, ऑप्शन सी में अगर ध्यान से देखें हम तो पीओएस तो पास नहीं करेगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे तो एकदम बीच में से अपोजिट मिथाइल, नीचे मिथाइल, ऊपर मिथाइल, नीचे मिथाइल, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगा, और सीओएस पास करेगा तो अगेन मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, प्रोडक्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी ऊपर वाले में भी आया था अभी, देखो दो सिमेट्रिक कार्बन है, कोई पीओएस या सीओएस पास नहीं करेगा, पहली बात मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इसका अगर हम ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाएंगे बीच में से तोड़ के तो हमारा कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, यहाँ पे हमारा इथाइल है, नीचे एच है, देखो जरा इस प्रोडक्ट में क्या एक एसिमेट्रिक कार्बन है, एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो कोई पीओएस या सीओएस की तो बात ही नहीं होगी, तो ये भी हमारा मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकली एक्टिव। तो हाइड्रोकार्बन भी रिजोल्युबल है, उसका प्रोडक्ट भी रिजोल्युबल है, और जो हाइड्रोकार्बन है जरा इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये 3 mole H2 कंज्यूम करेगा, क्योंकि दो यहाँ पे रहेंगे, एक हमारा डबल बॉन्ड है। सो आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस